नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर पे इसलिए चर्चा होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो आते हैं वो कैलेंडर से पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं कौन सा कैलेंडर है। जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। मैं उस कैलेंडर की बात कर रहा हूँ जो आपके फ़ोन में है, मैं उस कैलेंडर की बात कर रहा हूँ जो आप डायरी में जो कैलेंडर है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कैलेंडर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे विक्रम संवत का पंचांग आप लोग यूज़ करते होंगे, जूलियन कैलेंडर है वो भी पहले यूज़ किया जाता होगा या कहीं पे अभी भी यूज़ किया जाता होगा। लेकिन हम लोग इस कैलेंडर के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो है इसी से सभी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हों, बहुत सारे क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो इससे पुटअप किए जाते हैं, ना कि विक्रमी संवत के कैलेंडर से या जूलियन कैलेंडर से। ठीक है, तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो सोलर कैलेंडर है। सोलर कैलेंडर मतलब आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसके जो कैलकुलेशन है उस पर डिपेंड करता है ये कैलेंडर, तो इसलिए इसको सोलर कैलेंडर कहते हैं। अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा कि किस तरीके से पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उसके जो है क्या क्या परिणाम होते हैं। वहीं से लीप ईयर की शुरुआत होती है, लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सोलर कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये 1582 को इंट्रोड्यूस हुआ था, 1582 ईयर्स सन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं उस पर बेसिकली इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक है कि कुछ एक सेटअप पैटर्न्स हैं जिस पे हम स्टडी करेंगे, पैटर्न्स के ऊपर। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हमें जो है जनरलाइज रिजल्ट्स मिलेंगे। जनरलाइज रिजल्ट्स मिलेंगे उस पे हम स्टडी करेंगे। और दूसरा होगा फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बताना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है और मैं ज़्यादा इम्फेसाइज इस पे करूँगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमेशा जो ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें जो है टाइम आपको जो है देखना पड़ता है कि कितना जल्दी आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला बताना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे आपको दो तीन चीज़ें हैं बस वही याद करना होता है। एक तो होता है आपका सेंचुरी कोड, वो क्या होगा, वो होगा 6420, नो मैं बताऊंगा कैसे आपको याद करना है कैसे लर्न करना है। दूसरा है मंथ कोड, वो क्या है 1440 25036 146। ठीक है, इसमें एक एक डिजिट जो है वो अलग अलग मंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसका कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। इसके बाद आता है इसमें लीप ईयर के लिए, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी अभी मैं आपको बताऊंगा। लीप ईयर के लिए क्या होगा, यहाँ 1 की जगह 0 हो जाता है, 4 की जगह 3 हो जाता है, बस यही दो अंतर होता है, बाकी ये पूरा का पूरा डिजिट सेम रहेगा। तीसरा आ जाएगा आपका डे कोड। डे कोड क्या होगा कि अगर इसमें क्या होता है, एक कैलकुलेशन होता है जिसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर जो 1 आएगा 1 आएगा तो हमें जो डे मिलेगा वो मिलेगा संडे। हम ये मान के चलेंगे कि जो वीक का पहला दिन होता है वो संडे होता है। ठीक है, बहरहाल इन फॉर्मूला और इन जनरलाइज रिजल्ट से पहले एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं। एक चीज़ें कुछ चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, चलिए लीप ईयर, अगर आपसे पूछा जाएगा लीप ईयर क्या होगा तो आप कहेंगे वो साल जिसमें 365 की बजाय 366 दिन होता है वो होता है लीप ईयर। ठीक है, ये होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको साइंस की तरफ ले जाऊंगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ ले जाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले आप पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं दो टर्म को यूज करूंगा। एक होता है परिभ्रमण, हिंदी मीडियम वाले लोग जानते होंगे परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। ठीक है,
हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेती है, और इससे ही कहते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण में जो टाइम लगता है वो लगता है 24 आवर्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से दिन रात होता है, ठीक है। परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सबको पता है। और परिक्रमण जो होता है वो वही होता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की जो क्रिया होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। ठीक है, ये लगता है। तो हमें जो कॉन्सेप्ट अभी मिलेगा लीप ईयर का, वो परिक्रमण से ही मिलेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ आपको। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ठीक है। चलिए पहले हम एक सन बना लेते हैं। ये आपका सन है, सन स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी माना गया, ठीक है। अब इसके अराउंड हम अर्थ का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये अर्थ है, ग्रीन अर्थ है, ठीक है। ठीक है, ये अर्थ है, ये चक्कर लगा रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अभी मैं परिभ्रमण और परिक्रमण इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पृथ्वी है, हम मान लेते हैं पृथ्वी यहाँ से जो है चलना शुरू करी है, ठीक है। ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये अपनी धुरी पे हमेशा जो है चक्कर लगाती है, ठीक है। अपनी धुरी पे हमेशा जो घूमती है, चक्कर नहीं लगाती, घूमती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यही होता है परिभ्रमण। क्या होता है, परिभ्रमण, परिभ्रमण। इसमें क्या होता है, इस समय जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन होता है, और जो पीछे रह जाता है वहां पे रात होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिन की शुरुआत होती है जो वो सूर्य से होता है। इस वजह से एक कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं जो आगे हमें फॉर्मूला में यूज होगा, कि सप्ताह का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक, वो हो गया संडे, क्योंकि सूर्य जब निकलता है तभी दिन होता है। चलिए परिक्रमण की बात करते हैं। पृथ्वी इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूम रही है, कितना टाइम लगता है इसमें, इसमें टाइम लगता है 365 एंड 1/4 डेज, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटा लगता है, ठीक है। अगर आप 4 साल का टेन्योर को अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो ये 1/4, 1/4 ऐड होके यहाँ पे एक दिन बन जाता है, और यहीं से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मिलता है। मतलब 4 साल में जो दिन, जो चौथे साल में जो आपका डेज होगा, उस साल में होगा 365 के बजाय 366 दिन होगा, यही होता है लीप ईयर। फिर से मैं बता देता हूँ, 1/4, 1/4, 1/4 जो होता है, जो जो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लेती है, वो हर 4 साल में एक्यूमुलेट हो जाता है और एक दिन बन जाता है, और ये होता है आपका 366 दिन हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। कहने का मतलब है कि हर चौथा साल जो होगा वो आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। चलिए कुछ जनरलाइज रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी लीप ईयर के बारे में बताया हमने कि लीप ईयर क्या होता है, एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। लेकिन अगर सेंचुरी है, ये भी जनरलाइज रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, सेंचुरी अगर है तो एवरी 400 ईयर जो होगा वो आपका लीप ईयर होगा। कहने का मतलब ये है, जो भी 400 के मल्टीपल में जो सेंचुरी होगी, जो ईयर होगा, वही आपका जो है लीप ईयर होगा। उदाहरण के तौर पे 1200, 1600, 2000, ये आपका जो है लीप ईयर है। अगर मैं बात करूँ कि क्या लीप ईयर नहीं है, अगर जैसे 1900 है, 1900 में क्या है, ये बाद में 00 है, जो कि 4 से अगर आप पूरा का पूरा करोगे तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 1500 है, ये लीप ईयर नहीं है, दीज आर नॉट लीप ईयर्स, ठीक है। 400 के मल्टीपल में जो होगा सेंचुरी के केस में, वही लीप ईयर होता है। ये जनरलाइज फैक्ट है,
ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। आइए कुछ और जनरलाइज फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, कुछ और चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखते हैं क्या हमें मिलता है। ठीक है, एक फैक्ट मैं लेके चलता हूँ, वो फैक्ट क्या है, 1 जनवरी 1999 को फ्राइडे था, ये आप कैलेंडर से देख सकते हो, उस दिन फ्राइडे था। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट, एक जनरलाइज फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है, उसका पहला दिन और लास्ट दिन दोनों सेम होता है। कहने का मतलब वो फ्राइडे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हमें मिलता है कि अगर मैं अगले साल की बात करूँ, उसके पहले दिन की बात करूँ, तो वो जस्ट आगे वाला दिन होगा। कहने का मतलब फ्राइडे है तो सैटरडे होगा, 1 जनवरी 2000 में क्या होगा, ये सैटरडे होगा। ये जनरलाइज रिजल्ट है, जनरलाइज रिजल्ट है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है, उसके बाद वाले साल में पहला दिन जो होगा वो पहले वाले साल के दिन के अगला दिन होगा, ये जनरलाइज्ड है। अब देखिए, 2000 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, मतलब 365 की बजाय 366 दिन होगा। तो इस केस में यहाँ पे जो लास्ट दिन होगा, 31 दिसंबर को जो दिन होगा इस लीप ईयर 2000 में, वो सैटरडे नहीं होगा, वो संडे होगा। ठीक है, संडे होगा। अब आ जाते हैं आगे, अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, आप यहां पे देखिए हमने क्या किया था, यहां पे फ्राइडे थे, फ्राइडे के बाद अगला दिन सैटरडे आया 2000 में। 2000 से कंपैरिजन करके अगर 2001 में जाओगे तो ये सैटरडे के बाद वाला दिन नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी संडे जो है 31 को हो चुका है, क्योंकि ये लीप ईयर है। यहां पे आएगा मंडे, ठीक है, मंडे आएगा बिकॉज ऑफ लीप ईयर। ठीक है, तो ये जनरलाइज रिजल्ट आपको मिलता है, ये फैक्ट आपको मिलता है, जनरलाइज फैक्ट है कि हर साल का पहला और आखिरी दिन दोनों सेम होता है, अगर वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगर अगर वो लीप ईयर है तो जो पहला दिन होगा और आखिरी दिन होगा, जो आखिरी दिन होगा पहले वाले दिन का, जो 1 जनवरी को दिन होगा, उससे अगला दिन होगा, मतलब सैटरडे है तो संडे होगा। ठीक है, ये आपके पास फैक्ट आता है, इसको आप यूज करोगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, मैं इस वीडियो को, इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कुछ जनरलाइज रिजल्ट से रिलेटेड जो चीज़ें बची हुई हैं उसके बारे में, प्लस फॉर्मूले के बारे में बताऊँगा। जनरलाइज रिजल्ट में जैसे कुछ आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि सपोज़ कि 1999 में जो कैलेंडर है वैसा कैलेंडर आगे कब होगा। ठीक है, तो कहीं से आपको भी रिजल्ट देखने को शायद मिला होगा, किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं किसी किताब से, कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें 11 ऐड करते हैं, अगर लीप ईयर है तो उसमें 7 ऐड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये फैक्ट गलत है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँगा। सपोज अगर 2000 में जो कैलेंडर है वो कैलेंडर 2011 में नहीं होगा, सपोज 7 ईयर्स की बात करते हैं, 2007 में नहीं होगा। आगे वाले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, उसके साथ साथ फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। एंड अब मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच।